यहाँ बीजेपी और संघ परिवार है वो एक तरह से आमने सामने है। मैं रामलाल जी जो मंत्री राजस्व मंत्री उनका बड़ा भाई होता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि एपी बना का कांग्रेस की तरफ जो झुका हुआ उससे कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा हुआ। एपी बना के आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिख रही है, परंतु जीतेगी तो भाजपा। उदयपुर में मुझे तीन चीजें दिखी, ट्रैफिक जाम दिखा, लोगों के मुठ्ठियां बिछी दिखी, आक्रोश दिखा। आम आदमी से जाके कोई विजनरी बात नहीं कर रहा। कैलाश मेघवाल साहब की उम्र भी हो गई है, क्षेत्र में उनकी सक्रियता न के बराबर होती है। ये पार्टियों को जातियां जो है ना वो चारा दिखती है। नरेंद्र को स्थानीय होने का फायदा निश्चित रूप से मिल रहा है। अगर आपने विधायक कोटे से पैसा दिया तो आपने अपनी जेब से थोड़ी दिया। अब आम मतदाता लल्लू नहीं रहा, चुनाव आयोग की बहुत पैनी नजर है, पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद है। 100-150 गाड़ियों के जो काफिले चलते थे वो काफिले बंद हो गए। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे राजस्थान की 4 विधानसभा सीटों के बारे में। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, कैसा रहा प्रचार और कौन उम्मीदवार है मजबूत स्थिति में। बने रहिए हमारे साथ। तो स्क्रीन पे हमारे सामने जो दिख रहे हैं हंसराज जी चौधरी। नमस्कार हंसराज जी। जी नमस्कार। तो क्या कुछ चल रहा है आसिंद में? आसिंद के रहने वाले हैं आप तो? हाँ जी बिल्कुल, मैं आसिंद विधानसभा का मतदाता हूँ और आसिंद विधानसभा में इस बार बहुत कांटे की टक्कर है, त्रिकोणीय संघर्ष वहाँ बना है। वहाँ जो भाजपा के जो पुराने MLA थे उन्हीं को वापस टिकट मिला है, रिपीट हुए हैं वो। और आगामी लाल जी मेवाड़ा जो है वो कांग्रेस से हैं, वो भी एक तरह से रिपीटेशन ही है, पहले उनके बेटे को टिकट मिला था और अभी उनको मिला है। और तीसरा धनराज जी गुर्जर हैं जो कि गुलाबपुरा नगरपालिका के चेयरमैन भी रहे हुए हैं और वो उस इलाके के विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, परंतु उन्होंने भाजपा से जो टिकट मांगा था वो मिल नहीं पाया और उन्होंने जो हनुमान जी बेनीवाल की जो पार्टी है रालोपा उससे हाथ मिलाया और उससे लेके, तो तीनों ही एक तरह से मतलब बहुत अपने आप को मजबूत स्थिति में मान रहे हैं। मजबूत स्थिति में तो मतदाता ये प्रमाण पत्र जारी करेगा कि कौन मजबूत स्थिति में है। और वैसे आप तो काफ़ी नज़र रखते हैं वहाँ पर और हर जगह से आपके पास फीडबैक भी आते हैं जी, हर गांव में आपके कनेक्शंस है जी, और आप खुद भी शायद उसी विधानसभा। हाँ, मैं आते हैं। उसी तो विधानसभा का वोटर हूँ। तो फिर आप कैसे देखते हैं वहाँ पे, कौन मजबूत स्थिति में है अभी? देखो वहाँ मतलब एक कहावत है कि बिल्ली के भाग का छिक्का जब टूटता है तो वो बिल्ली फिर विजेता कहलाती है। तो हमारे आसिंद में बिल्कुल ये स्थिति बनी है कि अगर धनराज जी गुर्जर अगर 40,000 से ज्यादा वोट अगर लेके जाते हैं तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, और अगर वो 40,000 से नीचे रह जाते हैं तो उस स्थिति में कांग्रेस को फायदा होता है। ये बिल्कुल एक सांख्यिकी गणित है। पर धनराज गुर्जर जो है 40,000 वोट तक पहुंच पाएंगे ऐसा लग रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से पहुंच पाएंगे वो, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में गुर्जर मतदाता है वहाँ, एक बात। दूसरी बात है कि उनका जो नगरपालिका का जो क्षेत्र है उसमें भी उन्होंने अच्छा काम किया, परंतु ये आज की तारीख में आंकलन करना बड़ा मुश्किल है कि वो 40 क्रॉस करेंगे 40 क्रॉस नहीं करेंगे। और इस समय ऐसा कहना भी मेरे लिए तो कम से कम श्रेयस्कर नहीं है कि मैं किसको जीताऊं या किसको हराऊं, परंतु सच्चाई है कि तीनों कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं। और हालांकि वहाँ एक और भी हुआ है कि भील उम्मीदवार हैं नारू जी, वो खड़े हुए हैं। भील वोटर करीब 10,000 के आसपास है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, तो वो भी ऐसा मेरा आंकलन है कि 4-5,000 वोट उनको उम्मीदवार को मिल रहे हैं। और एक मेघवंशी उम्मीदवार हैं वो भी करीब 1,000-2,000 वोट मेरा ऐसा अंदाजा है कि उनको भी मिल रहे हैं। तो ये बड़ा नुकसान है, ये दूसरा पेच आसिंद किसे कांग्रेस को, मतलब ये कांग्रेस के रिजर्व कोटे में से वोट निकल रहा है तो ये भी प्रभावित करता। अच्छा, आसिंद में पिछले 5 चुनावों से लगातार जीत और हार का जो अंतर है वो हजार में नहीं होता, सैकड़े में होता है। अभी पिछली बार भी 156 वोटों से मतलब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, उसके पहले भी मतलब 600-700 वोटों से जीत हार हुई है। तो मतलब वहाँ का जो मतदाता है भीलवाड़ा जिले की सबसे जागरूक विधानसभा क्षेत्र है वो, वहाँ तिल तिल का हिसाब लेते हैं और फिर गलतियाँ होती हैं इसलिए बाद में लोग तिल तिल मरते हैं। पर आपके नज़र में या आपके संज्ञान में ऐसा आया कि जो ये जो आपने बताया कि मेघवंशी जो है वो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक
वहाँ पर नारू बील जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इनको मनाने के लिए भी कोई प्रयास हुए हैं ऐसा दिखा? नहीं देखो ऐसा है साहब, वो जमाना चला गया जब गांव में पटेल साहब चौपाल लगा के मतलब किसी को आदेश दे दिया करते थे कि तू फार्म भरेगा और तू नहीं भरेगा। आज लोकतंत्र का जमाना, मैं तो इसको भी बहुत सकारात्मक मानता हूँ कि एक दलित वर्ग का कोई व्यक्ति, आदिवासी वर्ग का कोई व्यक्ति फार्म तो भरा है ना उसने, आज वो वोट कितने लेके जाता कोई मतलब नहीं है। आज हो सकता है कि आज की जो चिंगारी है कल दानावल बन जाए, ऐसा कभी मतलब ऐसा कुछ नहीं। मैं इसको बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत पॉजिटिव मानता हूँ। वो किस पार्टी को नुकसान कर रहे हैं वो पार्टी सोचे, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, स्वतंत्र मतदाता हूँ, तो मेरी दृष्टि से मैं इसको बहुत सकारात्मक मानता हूँ कि उन्होंने फॉर्म तो भरा कम से कम। पिछले चुनाव में, इस बार के चुनाव में प्रचार में और तरीकों में क्या बदलाव आया है, ऐसा कुछ दिख रहा है? बहुत बड़ा बदलाव आया है कि पहले जो जो आम जनता को या आम मतदाता को जो ये राजनीतिक पार्टियों वाले लल्लू समझते थे, अब आम मतदाता लल्लू नहीं रहा। सोशल मीडिया का जमाना है, हर खबर छपने से पहले या ब्रॉडकास्ट होने से पहले लोगों तक पहुंचती है। चुनाव आयोग की बहुत पैनी नजर है, पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद है, मतलब कई चीजें इतनी अच्छी हुई है कि आज आम व्यक्ति अपनी कार में 1,00,000 रुपया लेके चलने में घबरा रहा, भले ही वो उसकी गाड़ी कमाई का पैसा हो। मतलब चीजें कई सुधरी है, तो कई चीजें सुधरी है। और ये जो 100-100, 50-50 गाड़ियों के जो काफिले चलते थे वो काफिले बंद हो गए, अब उम्मीदवार से लोग 1-to-1 सवाल कर रहे हैं, सामने पूछ रहे हैं, साहब आपने पिछली बार जब आप आए थे हमारे उस काम के लिए कहा था आपने, वो काम मेरा हुआ नहीं, और अगर आपने विधायक कोटे से पैसा दिया तो आपने अपनी जेब से थोड़ी दिया, या आपने मगर अगर कोई DMFT से कोई फंड पास करवाया तो वो तो मेरे टैक्स का पैसा है, उसको आपने ये भेदभाव क्यों किया कि उस जगह ज्यादा देना इस जगह कम देना, ये बहुत बड़ा अंतर आया। और अब के जो उम्मीदवार आश्वासन जो दे रहे हैं, वादे जो कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के वादे कर रहा है, ये बहुत बड़ा लाभ हुआ है। परंतु एक नुकसान भी हुआ जो मैं आपको बता दूं, जाति व मनुष्यता जो है आपसे जातियों में जो एक दुराभाव या एक कटा एक कड़वापन जो आया है वो अब तक पिछले मतलब नहीं था जितना इस बार मतलब है, तो ये एक गिरावट है और ये गिरावट नहीं आनी चाहिए। अब जैसे जो रामलाल जी मेवाड़ा है वो हमारे वहाँ तो आसिन में तो उनके तो कुल 150 वोटर पूरी तहसील में, तो फिर इसका मतलब उस आदमी को क्या खड़े होने का हक नहीं है क्या? ये जैसे हमारे सांखला जी हैं जो पूर्व MLA हैं, उनकी जाति के पूरी तहसील में 8,000 वोटर हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या 8,000 वोटर वाला खड़ा नहीं होगा क्या? अब इसका बहुत ज्वलंत उदाहरण हमारी पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र मांडल का है। अब वहाँ एक गुजर प्रत्याशी एक जाट प्रत्याशी है कांग्रेस से और भाजपा से, तो क्या दूसरी जातियों का कोई रोल नहीं है क्या उसमें? रोल है। तो ये जो है, ये जो दूरी खाइयां जो बढ़ रही है, ये खाइयां लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन पार्टियां भी तो जाति देख के वोट दे रही है टिकट? नहीं पार्टियां नहीं दे रही है, पार्टियों तो दिशाहीन हो गई है। पार्टियों की अगर आप बात करें तो पूरे मेवाड़ क्षेत्र में 580,000 मतदाता जाट मतदाता है, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मेवाड़ में राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और उदयपुर में एक भी जाट कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। अगर जाति देख के अगर टिकट देती होती, यही कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस ने करीब करीब 580,000 मतदाता है और केवल 2 जाटों को टिकट दिया, एक मांडल से रामलाल जी जाट जो कि राजस्व मंत्री थे तो उनको देना अनिवार्य था, वो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी भी हैं, और एक बद्रीलाल जी को ऐसी जगह से दिया छोटी सादड़ी से, मतलब जो जिनका कि वो ट्राइंगल में फंसे हुए हैं, उनका जीतना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, ऐसी जगह पर उनको जाके उनको फंसाया जो उनका खुद उनको खुद का मतदाता क्षेत्र नहीं है। तो ये जातियाँ कुछ नहीं, मतलब ये जो पार्टियाँ हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते कहने का हक है मेरे को, ये पार्टियों को जातियाँ जो है ना वो चारा दिखती है, चारा खिलाता कोई नहीं, चारा दिखाता है। हरे हरे रंग के चश्मे लगा रखे हैं इन बड़ी बड़ी पार्टियों ने, बल्कि जबकि इसके पीछे तो ये होना चाहिए कि उस आदमी का विकास का कार्ड कैसा है, काम कितना करता है, विजनरी कितना है, किस तरीके से अच्छा सा सोचता है लोगों के साथ में, वो लोग आने चाहिए। आप उदयपुर से आ रहे हैं, विजन शब्द आपने यूज किया है, वहाँ पर गौरव वल्लभ है कांग्रेस के जो काफ़ी मतलब विजन दिखाकर जो है वोटों की मांग कर रहे हैं और काफ़ी लोग उनके इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं, वहाँ भी आप रह के आए हैं, क्या कुछ देखा, क्या लग रहा है? देखो साहब उदयपुर में मुझे 3 चीज़ें दिखी, ट्रैफिक जाम दिखा, लोगों के मुठ्ठियाँ बिछी दिखी, आक्रोश दिखा। आम आदमी से जाके कोई विजनरी बात नहीं कर रहा उदयपुर में, जो मेरी जिन लोगों से बात हुई वहाँ, वही स्थापित भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है और स्थापित कांग्रेस का जो वोटर है,
बिल्कुल कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि वहां आम व्यक्ति से संवाद ही नहीं हो रहा। हाई फाई ऑफिस है, हाई फाई मतलब चीजें हैं, सोशल मीडिया है, ये है वो धांधू है, वहां आम मतदाता से कोई बात नहीं कर रहा। और मुझे जो सुनने में मिला वो मैं कह रहा हूं, वहां के ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस घोड़े खोल लो परंतु जीतेगी तो भाजपा ही, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप कितने उम्मीदवार बदल लो जीतेगी तो भाजपा। तो मैं स्वतंत्र रूप से ये कह सकता हूं कि वहां निश्चित रूप से आज की तारीख में भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में। अब लौटते हैं, आपके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्व मंत्री रहे रामलाल जाट, और आपके पड़ोसी विधानसभा क्षेत्री है। अब मुझे लगता है आपका आधा समय आसिंद में गुजरता है दिन का, और आधा समय मांडल की तरफ गुजरता है आमतौर पर, और काफ़ी लोगों से आप कनेक्टिविटी में रहते हैं। आसिंद की बजाय मांडल के लोगों से ज़्यादा आपके संपर्क हैं, तो आप वहाँ के बारे में बताइए कि क्या परिवर्तन वहाँ पर चल रहा है, क्या स्थितियाँ है प्रचार की स्थितियाँ। सच्ची बात तो ये लखन जी कि मैं किसी भी पार्टी से मतलब संबंधित व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब से मैंने नवग्रह आश्रम की स्थापना की है तब से मैंने ये प्रण लिया था कि मैं किसी भी पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं रहूँगा या मेरी उसमें सक्रियता नहीं रहेगी, ये बात नहीं। बिल्कुल, इसीलिए इसी नाते हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप निष्पक्षता के साथ में और जो कुछ देख रहे हैं, अब जो कुछ आप देख रहे हैं वो आप बता पाएंगे। अब चूंकि परिवार का मामला है, मैं रामलाल जी जो मंत्री राजस्व मंत्री उनका बड़ा भाई होता हूँ और हम कजिन हैं, एक ही दादा की औलाद है। एक अच्छा व्यक्ति आया, एक अच्छे विचारों के साथ में व्यक्ति आया, उसने मांडल का विकास किया और वो चाहता कि मांडल का और विकास हो, तो अगर मांडल का और विकास हो इसके लिए तो फिर रामलाल जी जाट से ज़्यादा अच्छा विकल्प नहीं हो सकता वहाँ की जनता के लिए। तो इस के और जिले का विकास होता है, अगर आपके जिले से कोई मंत्री बनता है तो पूरे जिले का विकास होता है, अपने विधानसभा क्षेत्र का तो करता ही है। ऐसा तो कोई बाप नहीं होगा कि अपने बेटों को अपने बच्चों को भूखे रख के और पड़ोसी को भोजन करवाएगा, परंतु जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन होता है तो पड़ोसी भी भरपेट खाना खा के डकार लेता है। तो आसिंद भी पास में ही है तो विकास तो आसिंद में भी होगा। आज जैसे आसिंद में इतनी तहसीलें बनी है, उप तहसीलें बनी है, इतने मतलब पटवार मंडल बने हैं, या जिला शाहपुरा अलग से जिला बना है, तो वो राजस्व मंत्री जी की वजह से बना। तो हम भी चाहते हैं भविष्य में, हम भी चाहते हैं कि आसिंद भी जिला बने, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी कॉलेजेस खुले। पर आपने जो देखा वहाँ पर इतने दिनों में जो कुछ देख रहे हैं, किस तरह का समर्थन है, कहाँ पर उनको चुनौतियाँ है, किसको किससे चुनौती है? देखो मांडल विधानसभा में बहुत स्मूथली चुनाव लड़ा जा रहा है, बहुत स्ट्रेटेजी के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है, दोनों पार्टियां बहुत साथ साथ के कदम रख रही है, और इतना मतलब जबरदस्त तरीके से प्रबंधन है कि उम्मीदवार सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, रात को 2 बजे सो रहे हैं, फालतू चीजें सोचने के लिए उम्मीदवारों के पास बिल्कुल समय नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि चुनाव बहुत अच्छे से हो, प्रेम से हो, और जातिवाद का जो मतलब जो चिंगारी है, या हिंदू मुस्लिम की जो चिंगारी है, या जो व्यक्तिगत वैमनुष्यता की जो चिंगारी है, वो वहाँ न चले, और सबका यही प्रयास है। और बिल्कुल परमात्मा करेगा, या जो ऊपर वाला जिसको भी आप वाहेगुरु कहें, अल्लाह ताला कहें, या जो भी कुछ भी ईश्वर कहें, वो बिल्कुल उसकी कृपा मांडल पर है और ये कृपा बनी रहेगी। तो किस तरह का वहाँ पे समर्थन किसको मिलता हुआ दिख रहा है ज़्यादा संख्या में? आप थोड़ा सा करेड़ा मांडल और आगे तक में अगर आप बांटते हुए देखते हैं, क्योंकि आप देखो मांडल विधानसभा क्षेत्र लखन जी बहुत ही भीलवाड़ा जिले का सबसे भौगोलिक दृष्टि से सबसे लंबा विधानसभा क्षेत्र है, और 3 पंचायत समितियां उसमें समाहित है। सुवाणा पंचायत समिति की आदि पंचायत है, जो कि सुवाणा और ये हलेड़ और दांताल और इधर भोली और ये जो रीछड़ा वगैरह जो शाहपुरा से लगी हुई है, उधर इधर हमीरगढ़ से लगी हुई है, और भीलवाड़ा शहर से लगी हुई है, आरजिया वगैरह जो औद्योगिक क्षेत्र है वो। दूसरा मांडल है जो कि परंपरागत रूप से शांत क्षेत्र है, और फिर करेड़ा जिसको कि ऊपरमाल कहा जाता है, आजकल ग्रेनाइट का हब है वो, वहाँ इतनी खदानें हैं, तो वहाँ पैसा भी प्रभावित कर रहा है चुनाव को, वहाँ लोगों की शांति भी प्रभावित कर रही है, और वहाँ भीलवाड़ा के आसपास का शहरीकरण भी प्रभावित कर रहा है। तो इन जो उम्मीदवार हैं मांडल से दोनों ही, खासतौर से मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही है वहाँ, तो ये उम्मीदवार भी मतलब जो ही पंचायत समिति चेंज होती है और इनके भी रंग ढंग और चाल चलन बदल जाते हैं। उदाहरण दे रहा हूं आपको, भीलवाड़ा के आसपास जब जनसंपर्क हो रहा है तो वहां अलग तरह के युवा तुर्क दिखाई देते हैं, अलग तरह के नारे होते हैं, अलग तरह का बहुत छिछला विरोध होता है,
परंतु जब यही लोग मांडल की पंचायतों में जाते हैं तो बहुत गंभीर चर्चा होती है। गांव के लोग चौपाल में बैठते हैं, प्रेम से भारतीय जनता पार्टी को भी गैदरिंग मिल रही है, कांग्रेस को भी गैदरिंग मिल रही है, परंतु यही लोग जब ऊपर माल में चले जाते हैं तो बिल्कुल चेहरे बदल जाते हैं। कोई बाहर के लोगों से बड़ी बड़ी गाड़ियां, एंडेवर और ये फॉर्च्यूनर और महंगी महंगी गाड़ियां, काले काले शीशे और लोगों के पास में एक एक डेढ़ डेढ़ लाख के मोबाइल और मैनेजमेंट, यूँ लगता है जैसे कहीं कोई विदेश में चुनाव हो रहा हो, तो बड़ा विचित्र स्थिति है। परंतु जातिगत समीकरण जो है वो साफ तौर से मतलब दिखाई दे रहा है मंडल में। मतलब जो गुजर मतदाता है वो 80%, मैं मेरे व्यक्तिगत ऐसा मानना है, वो बडाना जी के साथ है, और जो जाट मतदाता है वो 80% रामलाल जी के साथ है। जाट मतदाता कितने हैं वहाँ पे? जाट मतदाता करीब 35,000 के आसपास है, और गुजर मतदाता? गुजर मतदाता करीब 65,000 के आसपास है। तो संख्या बल में गुजर मतदाता अधिक है, इसमें बाद में कोई संशय नहीं। और जैसा कि आपने अभी पहले प्रश्न किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया या कांग्रेस ने जो टिकट दिया, क्या जातिगत समीकरण देख के दिया? परंतु मांडल में वाकई जातिगत समीकरण मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि दूसरी जो जातियां हैं वो वहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है, जो फैसला करने वाली जातियां हैं वो जातियां, जैसे मेघवंशी समाज बहुत बड़ी संख्या में है वहाँ, मुस्लिम समाज वहाँ बहुत बड़ी संख्या में है, और जो भील समाज है जिनको हमारे वहाँ राणा कहा जाता है मंडल में, राणा समाज है वो बड़ी संख्या में, कालबेलिया समाज बड़ी संख्या में, इसी तरीके से गाडरी समाज है वो भी काफी अच्छी 10-11 हज़ार की संख्या में। पिछली बार जो दूसरे नंबर पर रहे थे हैप्पी बनाना जी, तो उनका क्या, जो उनका साथ मिला है रामलाल जी को, उससे पावरफुल नजर आते हैं वो? मेरा ऐसा मानना है कि एपी बना का कांग्रेस की तरफ जो झुका हुआ, या जो रामलाल जी के साथ जो वो कैंपेन कर रहे हैं, उससे कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। आपकी गाड़ी मांडल पहुंची, मांडल से करेड़ा, और करेड़ा से फिर आप रायपुर की तरफ भी गए थे जी, तो रायपुर सहाड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ देखा आपने? तो सहाड़ा रायपुर का जो जो दोनों ही उम्मीदवार है, वो दोनों ही उम्मीदवार अपने क्षेत्र के मजे हुए उम्मीदवार हैं, और बल्कि मैं एक दृष्टि से ये कहूँगा कि कांग्रेस के जो वहाँ उम्मीदवार हैं वो बहुत पुराने चिरपरिचित और वहाँ के लोगों का काम करने वाले उम्मीदवार हैं, और पितलिया जी ने पिछले 10 साल में वहाँ उस क्षेत्र में काफ़ी काम किया। ठीक है, अब दोनों ही उम्मीदवार जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता उन्हें मतलब बात भी कर रही है, परंतु वहाँ जाट मतदाता जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और निश्चित रूप से अगर मैं ये कहूँ कि जाट मतदाता, अगर ये जो एक भी जाट को टिकट नहीं मिलने की जो नाराजगी है, वो नाराजगी अगर जाट मतदाता प्रकट कर रहा है, तो वहाँ कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो आसानी से अपनी जीत हासिल कर रहा है। जाट मतदाता वहाँ पे कांग्रेस को क्यों वोट देंगे? जाट मतदाता इसलिए देंगे कि मतलब मेरी चूंकि आपसे दुश्मनी है तो मुझे आपको धनवान नहीं करना, मैं मेरे पैसे को कुएं में डाल दूंगा मैं, पर मैं मेरा पैसा आपको नहीं दूंगा क्योंकि मेरी आपसे दुश्मनी है। ये थे हंसराज जी चौधरी, हम बात करेंगे अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों से। अब शाहपुरा बनेड़ा सीट से दो साथी हमारे साथ है और हम उनसे बात करेंगे। हमारे सामने ये कुर्सी है और एक नहीं दो कुर्सियां हैं, और दोनों कुर्सियों के लिए दो लोग यहाँ हैं शाहपुरा और बनेड़ा से, उनसे हम बात करेंगे। अविनाश विकास शर्मा और नरेश जी गुज्जर, नमस्ते दोस्तों। कि नरेश जी के बारे में बता दूं, ये नरेश जी है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मांडल चौराहे पर इनका अधिक समय गुजरता है, और मांडल चौराहा ऐसी जगह है जहां से आसिंद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, शाहपुरा सीट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और मांडल में तो चूंकि ये है तो वहाँ की भी एक अच्छी जानकारी इनके पास होती है। निश्चित तौर से हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है, ये भी जुड़े ही होंगे, और पर बात करेंगे इनसे कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ ये देख रहे हैं वहाँ पर। मांडल की सबसे पहले बात करते हैं, मांडल में काफ़ी एक्टिव लोग जो है संतोखपुरा के और मांडल के, जिनकी बैठकी आपके आसपास ही कहीं लगती है, क्या चल रहा है मांडल में? मांडल में इस बार मुकाबला दोनों प्रमुख जो पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच है। पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन इस बार केवल मुख्य मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच में है। कांग्रेस से प्रत्याशी श्री रामलाल जी जाट साहब हैं और बीजेपी से प्रत्याशी उदयलाल भडाना है। उदयलाल भडाना के बारे में मैं आपको उनका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। उन्होंने भी पिछली बार निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था और करीब 23,000 वोट उनको मिले थे, और पार्टी ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लेते हुए, या उनका अपन साहस भी कह सकते हैं, और अगर इसका रिजल्ट विपरीत रहा तो इसको दुस्साहस भी कह सकते हैं, कि 23,000 वोट उनको मिले थे फिर भी पार्टी ने उनको बगावत की, इसके बावजूद उनको इस बार उन्होंने प्रत्याशी बनाया है।
और दूसरे जो प्रत्याशी हैं रामलाल जी जाट साहब, यहाँ पहले भी विधायक रहे हैं और इस बार भी वो विधायक थे और मंत्री भी हैं, राजस्व मंत्री, और क्षेत्र में विकास कार्यों के दम पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उदयलाल जी बड़ाणा अपनी युवा छवि और जो हिंदुत्ववादी एक छवि उन्होंने बनाई है पिछले कुछ सालों में, उसके दम पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ही टफ मुकाबला है, मेरी राय में बहुत ही टफ मुकाबला है। और रिजल्ट क्या रहेगा अभी आज प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो मतलब क्या हैप्पी बना के साथ आने से वो थोड़ी मतलब हुई है इनकी स्ट्रॉन्ग? निश्चित रूप से कांग्रेस को हैप्पी बना के आने से फायदा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल फायदा हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस का जो वोट था, हैप्पी बना पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे और 51,000 अगर वोट वो लेके गए तो उनकी लोकप्रियता, उनके पास कार्यकर्ता, उनका एक मजबूत जनाधार है, इसमें कोई दो राय नहीं। हैप्पी बना के आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिख रही है। लेकिन क्या ऐसा भी देखने को मिला है या कहीं चर्चाओं में ऐसा आया है कि क्योंकि लोग जो जुड़ते हैं व्यक्ति के साथ में जुड़ते हैं, तो लोग जब हैप्पी बना से जुड़े अगर तो वो कहीं ना कहीं रामलाल जी से नाराज रहे होंगे तब हैप्पी बना से जुड़े, और जब हैप्पी बना से जुड़े और हैप्पी बना ही रामलाल जाट से मिल लिए तो फिर कहीं वो डिस्टर्ब भी हुए हैं? कितने डिस्टर्ब हुए हैं लोग? देखिए इसके पीछे बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे, हैप्पी बना भी कांग्रेसी विचारधारा के व्यक्ति थे, उनका पूरा परिवार कांग्रेस में रहा है और रामलाल जी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, दोनों ही टिकट की रेस में थे, तो दोनों के साथ कांग्रेस के लोग जुड़े हुए थे। हैप्पी बना के साथ भी कांग्रेस के लोग भी जुड़े हुए थे और जो बीजेपी से जो नाराज वोटर था वो भी हैप्पी बना के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन अब चूंकि इस बार हैप्पी बना चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत ही मजबूती से दिख रहे हैं, तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। शाहपुरा का क्या नया जिला? नया जिला, नए समीकरण क्या है? समीकरण देखिए, शाहपुरा विधानसभा में आजकल अभी जो लेटेस्ट चर्चा है वो शाहपुरा जिले की पहचान कैलाश मेघवाल के नाम से, क्योंकि कैलाश मेघवाल पिछले दोनों चुनाव यहाँ बहुत बहुत बड़े अंतर से जीते थे और जो पिछला लेटेस्ट चुनाव था वो राजस्थान में सर्वाधिक मतों से कैलाश मेघवाल ने जीता था, और यूं बहुत बड़ी बात है 75,000 वोटों से जीतना। तो इस बार वो वापस, उनकी उम्र 90 साल से ऊपर हो गई लेकिन उनका जो राजनीति करने का जो जज्बा है, जोश है, वो कम नहीं हुआ और वो इसी आधार पे वो इस बार भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उम्र को देखते हुए या और कुछ कारणों से उनको टिकट नहीं दिया। अब वो वापस चुनाव मैदान में है और शाहपुरा बनेड़ा जो क्षेत्र है उसके अंदर हमेशा चर्चा ये रहती है कि यहाँ सारी चीज़ें कैलाश मेघवाल के हिसाब से चलती है, वो सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय। पिछले चुनाव में भी ऐसी अफवाहें थी या ऐसी रूमर्स थे कि मतलब बीजेपी से तो वो खुद थे, कांग्रेस से जो कैंडिडेट है उनको भी लाने में उनकी भूमिका रहती है, निर्दलीय को लाने में भी उनकी भूमिका रहती है, और इस बार भी यही चर्चाएँ हैं कि जो बीजेपी से टिकट आया उनमें भी उनका कुछ रोल रहा है और कांग्रेस के टिकट में भी उनका रोल रहा है। लेकिन अभी जो चुनाव चल रहा है शाहपुरा में वो त्रिकोणीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कैलाश मेघवाल पिछली बार जो इतने ज़्यादा वोटों से जीते थे उसमें सबसे बड़ा कारण उनका पार्टी का सिंबल होना है और कांग्रेस के जो वोट थे उनका बराबर बराबर डिवाइडेशन हुआ था कांग्रेस और निर्दलीय में, तो ये बड़ी जो जीत थी वो उस कारण थी। उसके अलावा अब कैलाश मेघवाल साहब की उम्र भी हो गई है, क्षेत्र में उनकी सक्रियता न के बराबर होती है, पूरे 5 सालों में वो उंगलियों पे गिनने जितनी बार वो अपने क्षेत्र में आते हैं, जयपुर से ही वो अपना सारा काम करते हैं और आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए जयपुर पहुंचना बहुत मुश्किल है, मतलब कार्यकर्ताओं के लिए भी दिक्कत वाली स्थिति होती है तो आम जनता तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाती है। तो इस बार चुनाव क्योंकि दोनों ही जो निर्दलीय कैलाश मेघवाल जी भी बाहरी प्रत्याशी हैं और जो बीजेपी से प्रत्याशी है लालाराम बेरवा वो भी बाहरी प्रत्याशी, मतलब जिले से बाहर के उम्मीदवार हैं। हालांकि कैलाश मेघवाल के साथ ये है कि उनके पहचान का संकट नहीं है, लोग उनको जानते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार बहुत बड़ा साहस दिखाते हुए एक बिल्कुल युवा चेहरे, स्थानीय चेहरे को इस बार मैदान में उतारा है, नरेंद्र रेगर, रेगर समाज से आते हैं और रेगर समाज को भी एक मतलब उनकी डिमांड थी कि भाई हमें एक जिले से क्षेत्र से एक टिकट दिया जाए, तो एक बड़ी और उनकी पुरानी जो डिमांड थी उसको कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया है। तो नरेंद्र को स्थानीय होने का फायदा निश्चित रूप से मिल रहा है क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी बाहरी हैं और कैलाश मेघवाल जी की उम्र को देखते हुए, हालांकि उनके साथ लोग लग रहे हैं लेकिन
कैलाश मेघवाल के साथ बनेड़ा सेक्टर में बड़ी संख्या में जो लोग लग रहे हैं वो केवल बीजेपी के लोग हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से वोट तीन भागों में बढ़ रहा है। नरेंद्र को कांग्रेसी वोट मिल रहा है, स्थानीय होने के हिसाब से उनको वोट मिल रहा है, उनका जो पिछला जो काम है, जो उनका व्यावसायिक काम है, उसके आधार पर भी गाँव में लोग उनसे जुड़े हुए हैं, इसका फायदा निश्चित रूप से नरेंद्र को मिलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का वोट एक तरीके से डाइल्यूट हो रहा है, बीजेपी का जो नाराज वोट बैंक होगा, जो कैलाश मेघवाल के समर्थक होंगे वो कैलाश मेघवाल के साथ जाएंगे, तो ऐसे में लाला राम के वोट कहीं कहीं बिल्कुल बिल्कुल बड़ी संख्या में जो कैलाश मेघवाल के समर्थक हैं, जो उनके साथ लगे हुए, वो मूल रूप से बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि जो संगठन में पदाधिकारी रहे हुए हैं पिछले 10 सालों से जो जुड़े रहे हैं, क्योंकि पूरा सापुरा में कैलाश मेघवाल शाश्वत है, सब कुछ कैलाश मेघवाल है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके साथ जो लोग नहीं जुड़े हैं, मतलब जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं। कांग्रेस विचारधारा के भी कुछ लोग उनके किसी काम की वजह से, निजी काम की वजह से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, ये भी शाश्वत है, ये भी सत्य है, लेकिन मोस्टली 90% लोग बीजेपी के जुड़े हुए हैं, और वो उनको जो वोट मिलेंगे वो 80-90% वो बीजेपी के वोट लेंगे। भीलवाड़ा शहर में आपका खूब आना जाना रहता है, तो भीलवाड़ा शहर के बारे में बताइए कि जनता जो है किसके साथ ज्यादा जुड़ी हुई दिख रही है, बहुत ज्यादा सक्रियता जो है किसकी नजर आपको आ रही है? भीलवाड़ा विधानसभा में इस बार सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है, और जो अपन सदियों में जिस तरह के चुनाव होते हैं वो चुनाव मुझे देखने को मिल रहा है। मतलब मेरे लिए ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि यहाँ बीजेपी और अपन एक तरह से कह सकते हैं जो संघ परिवार है, RSS है, वो एक तरह से आमने सामने है और पूरी तरह खुल के आमने सामने है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं विठल शंकर अवस्थी, यहाँ 15 साल से विधायक हैं, और इस बार उनका थोड़ा विरोध था, पिछली बार भी थोड़ा थोड़ा था, लेकिन बगावत नहीं हुई और पार्टी ने साथ दिया और लोगों ने साथ दिया, और बड़े अंतर से वो चुनाव जीत रहे हैं। और यहाँ बीजेपी की परंपरागत सीट है, RSS का गढ़ माना जाता है ये, लेकिन इस बार RSS ने और RSS के जो संगठन है दूसरे, उन सब ने बगावत कर दी है, और अशोक कोठारी जो गो सेवक के नाम से जाने जाते हैं और उनका सामाजिक कार्यों में उनकी लोकप्रियता अप्रतिम है, मतलब उनके लिए उनके जो सामाजिक कार्य है और गो सेवा है उसके लिए उनको जाना जाता है, और उसी आधार पे जो संघ परिवार से जुड़े हुए संगठन है उन्होंने अशोक कोठारी को अपना उम्मीदवार बनाया और बड़े ही मजबूती से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार मुकाबला यहाँ भी त्रिकोणीय है। तो यहाँ भी ये लग रहा है ना कि बीजेपी का वोट दो भागों में बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो कोठारी जी के साथ वोट है वो 99% बीजेपी विचारधारा, संघ विचारधारा के लोग लग रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पिछली बार जो बीजेपी को वोट मिले थे वो स्पष्ट रूप से दो भागों में बैठ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं ओम नारायणीवाल, उन्होंने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 43,000 वोट उन्होंने प्राप्त किए थे, ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि उनका भी एक मजबूत जनाधार है, उनका सामाजिक आधार है, उनका भीलवाड़ा शहर की जो कांग्रेस की राजनीति है उसमें वो एक बड़ा चेहरा है, और उन्होंने काफ़ी चुनाव लड़े, नगर परिषद के सभापति रहे हैं, कांग्रेस से भी टिकट पे चुनाव लड़े थे, निर्दलीय भी लड़े हैं, तो उनके पास भी जनाधार है, उनके पास एक वोट मांगने का आधार भी है कि मैं इतने सालों से आपसे मौका मांग रहा हूँ, एक बार आप मुझे मौका देकर देखें।